नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद अक्सर लोग हमसे अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं, तो उन सवालों में से कुछ सवाल हम आपके लिए लेकर आते हैं जो यूनिक होते हैं, जो बहुत से लोगों से मिलते जुलते होते हैं। तो एक भाई जिनकी आई डी है पंडित विनोद शुक्ला जी के नाम से, वो हमसे कहते हैं कि मुझे भी फ़ोन आया था, मैं मोबाइल बंद कर दी। मेरे भाई देखिए, आपकी फिल्म बनी ठीक है, ना समझी में अनजाने में बनी। इंसान है, लड़के हैं, युवा हो चाहे ना हो, पर इंसान है। आपके पास कोई भी इस तरह की वीडियो कॉल आते हैं तो आप उठाते हैं, उत्सुकता में उठाएं या कैसे भी उठाएं, फिर आप देखते हैं कि यार कौन है, क्यों कर रहा है, कोई दोस्त भी कर सकता है, तो उस उत्सुकता में आप उस वीडियो कॉल पर बने रहते हैं। आपकी धोखे से फिल्म वो लोग बना देते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से, और आपको फिर वो डराने का प्रयास करते हैं, आपकी फिल्म को इधर उधर फैलाने की धमकी आपको देते हैं, अलग अलग स्क्रीन शॉट्स भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं, पुलिस वालों के नाम से फ़ोन करते हैं, आपके जहन में डर को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब आप फोन बंद कर लेते हैं तो ये आपको एक बहुत बड़े संकट में फंसाने की पहली प्रक्रिया होती है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि धोखे से जो लोग फिल्म बनाते हैं, वो अपने आप में बिजनेसमैन है, वो स्वयं को बिजनेसमैन समझते हैं। वो समझते हैं कि आपकी धोखे से फिल्म बनाई है तो उन्होंने आपके ऊपर अपना समय इन्वेस्ट किया है, और उस इन्वेस्टमेंट का उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान जब इन्वेस्ट करता है तो करता है इस उम्मीद से कि उसका कुछ रिटर्न मिलेगा, और उस रिटर्न मिलने की उम्मीद से ही वो आपकी फिल्म बनाते हैं, अपने आपका समय इन्वेस्ट करते हैं, और वो स्वयं को बिजनेसमैन समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद जब बिजनेसमैन का समय आप इन्वेस्ट करवा के उनसे बात नहीं करेंगे, नंबर ब्लॉक कर लेंगे, तो आप समस्या में फंस सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल आपके धोखे से बनी हुई फिल्म को, देखिए अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भरे फंसे हैं तो आपका बाल भी नहीं उखाड़ सकता। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि अगर आपका व्हाट्सएप नंबर ट्रूकॉलर पर उसी नाम से, जिस नाम से आपकी फेसबुक है, तो उस नाम को बदल दीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम को आईडी को उस नाम से है तो डिलीट कर दीजिए, उस नंबर से है तो डिलीट कर दीजिए। कुल मिला के आपके वो उस नंबर से आपके फेसबुक इंस्टा आईडी के माध्यम से आपके फ्रेंड तक नहीं पहुंचना चाहिए। उसके बाद आप अपना नंबर बंद करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लिया आप फंसे ही फेसबुक से हैं, उन लोगों के पास आपके फेसबुक फ्रेंड्स के स्क्रीनशॉट हैं, और उसके बाद भी आप उनका नंबर ब्लॉक कर रहे हैं फिल्म बन जाने के बाद, तो मेरे भाई वो पागल नहीं है जो अपना कीमती समय, देखिए मेरे लिए कीमती नहीं है, वो स्वयं ये मानते हैं कि अपना कीमती समय अगर वो किसी और को फंसाने में लगाते तो कुछ पैसा मिलता, और आपने उनका कीमती समय लगवाया वीडियो बनवाने में, और आप उनसे बात नहीं कर रहे, नंबर ब्लॉक कर रहे हैं, सिम बंद कर रहे हैं, और उनके पास आपके फेसबुक फ्रेंड्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, उनकी जानकारी है, तो भाई बिल्कुल आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास वो फिल्म भेज सकते हैं। खैर अभी ये चांस कम है, एक साल पहले, छः महीने पहले ये चांस ज़्यादा था, क्योंकि तब मेवात के साइबर अपराधियों के ऊपर पर्टिकुलर लोगों का एक आशीर्वाद रखा था उनके सर के ऊपर, जो सरकार में शामिल थे, जो सिस्टम में शामिल थे, तो तब वो आपको फेसबुक फ्रेंड के पास भेज देते थे। पर अभी भी चांस है कि अगर आप उनको इग्नोर करते हैं, उनसे डर के मारे सिम बंद करते हैं, तो वो बिल्कुल आपकी धोखे से बने हुई फिल्म को आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास भेज सकते हैं, इस मकसद से कि आपका फेसबुक फ्रेंड आपको बताएगा कि आपकी फिल्म हमें मिली है, तब आपको समझ आएगा कि आपने इसके नंबर को बंद किया है, तब आप उनके नंबर को अनब्लॉक करके उनसे बात करेंगे, उनसे बातचीत करके नेगोशिएट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में लाने के लिए आपकी वो फिल्म को आपके फेसबुक फ्रेंड, इंस्टाग्राम फ्रेंड के पास भेज सकते हैं। तो आप कभी भी ऐसी नौबत ही ना आने दें कि ऐसा कोई भी चांस उनको मिले कि वो आपकी फिल्म को आपके फेसबुक फ्रेंड, इंस्टाग्राम फ्रेंड के पास भेजने की स्थिति में आ पाए। तो ये तो हो गया इस सवाल का जवाब। अब हमारे एक मित्र और हैं जिनका नाम है उस्ताद TRR। वो भाई हमसे सवाल करते हैं, सर पैसा नहीं दिया, न मैं डरा, मैंने कह दिया कि मैंने कंप्लेंट कर दिया है, फिर फ़ोन नहीं आया, क्या मैं सिम बंद कर दूं या नहीं करूं, क्या फ़ायदा या नुकसान है, बताइए सर। भाई का सवाल बिल्कुल सटीक है।
मैं अपने भाई को पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि उस्ताद जी, आपको अपनी सिम बंद नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी है। जब आपने उनको कह दिया कि आपने कंप्लेंट फाइल कर दी है, तो एक छोटा सा अनुरोध है, पैसे खर्च नहीं होते, 1930 पर कॉल करके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद एक लिंक आपके पास आएगा, जो आएगा cybercrime.gov.in की तरफ से, जिसमें आपने अपनी कंप्लेंट की बाकी डिटेल्स फुलफिल करनी है, वो भी आप कर दीजिए। फिल करने के बाद जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, वो पूरी घटना को उस कंप्लेंट में लिखने के बाद एक पीडीएफ लास्ट में आपको डाउनलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके धोखे से फिल्म बनाने वाले लोगों के पास भेज दीजिएगा और स्पष्ट तरीके से उनको बता दीजिएगा कि बेटा, अगर तुम्हारे स्थान विशेष में, तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम है कि तुम बच सको, तो बच के दिखाओ। मैं यानी कि उस्ताद, जो भी आपका नाम है, वो बताकर, उनको लिखकर बता दीजिए कि मैं यानी कि उस्ताद, मेरा ये नाम है, मैं आपके पीछे पड़ गया हूँ, और साला जिसके पीछे आज तक मैं पड़ा हूँ, उसको जहन्नुम के दरवाजे तक पहुँचाने का काम मैंने किया है। पहली चीज़, आपने उनको कंप्लेंट फाइल करने की बात की, बहुत अच्छी। अगर आपने उनको कंप्लेंट फाइल करने की बात की और उसके बाद आप अपना सिम बंद कर लेते हैं, तो एक नेगेटिव छवि उनके सामने आपकी पेश करता हूं। वो लोग समझते हैं कि आप डरे हुए हैं। आपने डर कर एक बार हिम्मत करके उनको बता दिया कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, पर आप स्वयं अगर अपनी सिम बंद कर लेंगे तो कुछ समझ जाएंगे। मेरे भाई, कंप्लेंट करने वाला कभी अपनी सिम बंद करके मैदान छोड़ के भागता नहीं है, और आपने ऐसा काम गलती से भी नहीं करना है। ठीक है, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद पूरा नैरेटिव, पूरा सिस्टम ही डर का होता है। डर दो तरफ हो सकता है, धोखे से फिल्म बनाने वाले की तरफ और जिसकी धोखे से फिल्म बनी है उसकी तरफ। ये धोखे से फिल्म बनाने वाला इंसान कोशिश करेगा कि अपने डर को आपके ऊपर हावी करें, ठीक है, पर ये बहुत कमज़ोर है, ज़्यादा हावी नहीं कर पाएगा। अगर आप में गट्स हैं, थोड़ी सी हिम्मत आपने कर ली, तो आप अपने डर को इसके ऊपर हावी ही नहीं, आप इसको अपने पैरों के नीचे ले आएंगे। तो उसके लिए आपको ये करना है, या तो आप उनको गलिया दें अच्छे से। देखिए, कुल मिला के पूरा जो मैटर है वो है एक दूसरे को ये एहसास कराने का। या तो आप उनको ये एहसास करा दें कि आप डरे हुए हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, पैसे को लेकर कमबख्ती करने की बात कर रहे हैं, तो आपके ऊपर वो हावी हो जाएगा। या फिर आप उनको ये एहसास करवा दें कि बेटा, उस्ताद हूँ उस्ताद, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरी एक फिल्म क्या हजारों फिल्म बना लो, फिर भी मुझे बाल भर का फर्क नहीं पड़ता, और साला तुम बच के दिखाओ, कंप्लेंट तुम्हारे खिलाफ मैंने करवा दी है, और तुम साला बच के दिखाओ तो मैं तुम्हारे घर से, तुम्हारे बिल से निकाल कर लाऊंगा और कानून के सामने पेश करवाऊंगा। ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए जब आप उनसे बात करते हैं जिन्होंने धोखे से फिल्म बनाई। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि बेटा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ समय की बर्बादी है, अगर ज़्यादा ही पीछा किया तो साला ज़िंदगी की भी बर्बादी है, जेल के सलाखों के पीछे तुम्हें जाना पड़ेगा। तो सिर्फ आपको ये एहसास करवाना है धोखे से फिल्म बनाने वाले व्यक्ति को। कंप्लेंट कंपलसरी होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि आप कंप्लेंट करेंगे, कोई दूसरा करेगा, जैसे कंप्लेंट जुड़ेंगी किसी एक ही व्यक्ति के खिलाफ, किसी एक ही व्यक्ति के खिलाफ, किसी उसके एक ही नंबर के खिलाफ अगर 30, 40, 50 कंप्लेंट जाएंगी, तो पुलिस प्रशासन ना चाहते हुए भी ये प्रयास करेगा कि भैया, इसको गिरफ्तार करना है, इसके खिलाफ ऑलरेडी इतने ऑल इंडिया से इतनी कंप्लेंट आ चुकी हैं। तो यूनिटी भाई आपको भी दिखानी पड़ेगी। बाकी जो मैंने दो सवालों के जवाब दिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इनसे सहमत होंगे और आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।